नमस्कार, स्वागत है आपका नादी टीवी में और मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की खबर के साथ। इस वक्त की खबर हमें मिल रही है निवाड़ी से, बीच बाजार दर्दनाक हादसा हुआ है, पैदल जा रहे बुजुर्ग पर ट्रैक्टर चढ़ा है। हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सीधे पहिए के नीचे बुजुर्ग आ गया, बुजुर्ग ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मेन बाजार के रामलीला रोड की घटना है। निवाड़ी से खबर आपको बता रहे हैं, बीच बाजार दर्दनाक हादसा हुआ है, पैदल जा रहे बुजुर्ग पर ट्रैक्टर चढ़ा है। हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सीधे पहिए के नीचे बुजुर्ग आ गया, बुजुर्ग ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मेन बाजार के रामलीला रोड की घटना है। तस्वीरें निवाड़ी से आपको बता रहे हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं पैदल जा रहे बुजुर्ग पर ट्रैक्टर चढ़ा और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता देवेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेश, पैदल जा रहे बुजुर्ग पर ट्रैक्टर चढ़ गया, आखिर कैसे ये इतनी बड़ी गलती हो गई ट्रैक्टर चालक से? बिल्कुल पूनम, कहा जाता है कि होने को कोई लेने नहीं जाता है। ऐसा है कि पैदल जा रहे बुजुर्ग जब सड़क पर चल रहा था तभी पीछे से आ रहे ट्रैक्टर ने उसे रोन दिया। साफ तस्वीरों में आप देख सकते हैं, दर्शक भी देख सकते हैं कि किस तरह से ट्रैक्टर के पिछले पहिए के चपेट में एक बुजुर्ग आया और उसकी मां गंभीर हो गई। इसके बाद उसे मेडिकल कॉलेज उपचार के लिए ले जाया गया जहां उसने दम तोड़ दिया। कहा जा सकता है कि एक कंजेस्टेड एरिया है, कहा जा सकता है कि छोटी सी जगह होने के बावजूद भी वहां से ट्रैक्टर गुजर रहा था। कोई बड़ा वाहन आ जाता है तो दोनों तरफ जाम की स्थिति बन जाती है, वहां पैदल आदमी भी नहीं निकल पाता। बिल्कुल पूनम, इससे साफ जाहिर होता है कि जो रास्ता है उसकी सकरा होने के कारण हादसा हुआ है। जी देवेश, जिस तरीके से जो है यह हादसा हुआ और उसके बाद क्या पुलिस ने कोई जांच की है, पुलिस ने कोई मामला दर्ज किया है ट्रैक्टर चालक के खिलाफ? बिल्कुल, अभी आपको बता दें कि हमारी निवाड़ी कोतवाली प्रभारी से बात हुई है तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मेरे पास कोई लिखित शिकायत नहीं आई है और मरदरी झांसी है, झांसी से मरदरी भी नहीं आई है। इस कारण ना तो हम कुछ जानकारी दे सकते हैं, ना कोई नाम बता सकते हैं कि वह कौन था। ट्रैक्टर चालक का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है? बिल्कुल, ट्रैक्टर चालक की जब जानकारी जुटाई है तो ट्रैक्टर की ट्राली से देखा गया है कि उस पर बहेरा लिखा था, जिससे कहा जा सकता है कि बहेरा गांव का एक ट्रैक्टर है जिससे यह हादसा हुआ है। जी देवेश, पुलिस अधिकारियों का क्या कुछ कहना रहा, कितने जल्दी जो है ट्रैक्टर चालक तक पहुंच पाएगी पुलिस? बिल्कुल पूनम, आपको बता दें कि पुलिस अधिकारियों का कहना है जैसे ही मार्ग डायरी आती है, जैसे ही कार्रवाई की जाएगी वह शीघ्र ही जो चालक है उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ट्रैक्टर भी कब्जे में ले लिया जाएगा। ट्रैक्टर सूत्रों की माने तो ट्रैक्टर भी कब्जे में ले लिया है, लेकिन पुष्टि नहीं की गई है। ट्रैक्टर को कब्जे में लेना एक औपचारिकता बताई जा रही है कि ट्रैक्टर से हादसा हुआ है इसलिए ट्रैक्टर को कब्जे में ले लिया है। जी बुजुर्ग जिसकी मौत हुई है इस हादसे में, उसके परिवारजनों का क्या कुछ कहना रहा है, उसके परिवारजनों से क्या बात हो पाई है? बिल्कुल, अभी आपको बता दें कि उसका नाम पता नहीं मिलने के कारण उसके परिवारजनों से बात नहीं हो पाई है, जबकि अधिकारियों से भी बात की, पुलिस अधिकारियों से भी पूछा है कि बुजुर्ग कहाँ का है, क्या नाम है, तो वो अभी उनका साफ कहना है कि मार्क डायरी मेरे पास नहीं है, मार्क डायरी होती तो मैं बता पाता, जब मुझे जानकारी हो पाती तो मैं दर्शकों को भी साझा कर पाता कि बुजुर्ग कहाँ का है और बुजुर्ग की किस कारण से वो बाजार में आया था, क्या लेने आया था और कितने का बुजुर्ग का, एक कुछ कह नहीं सकते। तस्वीरों में देखकर बता सकते हैं कि बुजुर्ग पर ट्रैक्टर चढ़ा हुआ और उसकी मौत हो गई है।
जी शुक्रिया देवेश इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो बीच बाजार एक दर्दनाक हादसा हुआ, पैदल जा रहे बुजुर्ग पर ट्रैक्टर चढ़ गया। अभी फिलहाल ट्रैक्टर चालक का कुछ पता नहीं चल पाया, पुलिस जांच कर रही है इस पूरे मामले की।